नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A53s 5G वर्सेस Infinix Zero 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A53s 5G में 6.46 इंच जबकि 05G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A53s 5G में 2.98 इंच जबकि 05G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A53s 5G में 0.33 इंच जबकि 05G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A53s 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A53s 5G में 189.6 ग्राम जबकि 05G में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A53s 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A53s 5G में 20:9 जबकि 05G में 20.5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A53s 5G में 6.52 इंचेस जबकि 05G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A53s 5G में 720x1600 और 05G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A53s 5G में 82.67% जबकि 05G में 84.71% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A53s 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि 05G में 396 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A53s 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 05G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A53s 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 05G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A53s 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 05G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A53s 5G में Mali G57 MC2 जबकि 05G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A53s 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और 05G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो A53s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि 05G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A53s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 05G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A53s 5G में अप टू 1TB जबकि 05G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं,
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A53s 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें 05G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A53s 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स 05G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 05G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 05G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी MI 11 आई है, दूसरा ओप्पो A16K है, तीसरा ओप्पो A55 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।